किसी साहब से पूछा, बुजुर्ग से पूछा कि अल्लाह का महबूब तरीन बंदा कौन है। उन्होंने कहा जो अल्लाह की सबसे ज्यादा इबादत करेगा वो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा। उन्होंने कहा कैसे साबित होगा? चले उन्होंने जगह जगह से साहब उन्होंने दरख्वास्त इबादत कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ये बताइए कि छोटी सी सूर में मोटा सा रस्ता डालना है, इतनी छोटी सी सूर से इतना मोटा रस्ता था। उन्होंने कहा यार तुम दिमाग खा लेते हो। एक साल बुजुर्ग 20 करोड़ कपड़ा की इबादत कर रहे हैं जंगलों में। मैं बुजुर्ग हुआ एक बड़ा मसला आ गया कि छोटी सी सूर में मोटा सा रस्ता डालना है। मैंने जाओ मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, तुम मेरे इबादत ना करो। बढ़ते गए किसी ने जवाब नहीं। मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? कह रहे भाई सूई में मोटा सा रस्ता जाना चाहिए, मैं तो सोचता हूँ मुझे सहाल चाहिए। गुजरते गुजरते रोड पे गए तो शराबी आ रहा था, उसको रोका। मैं ऐसे भी पूछ ही लो आप खत्म करो, खत्म करो उससे पूछो। उसको रोका मेरा भाई, जरा थोड़ा होश में आ गया। जरा यार ये बड़ा मसला आ गया, छोटी सी सूई है जिसमें मोटा सा रस्ता डालना है। उन्होंने बोला भाई मैं तो नशे में हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बार जानता हूँ जिसने सूई बनाई जिसने रस्ता बनाया वो शायद भी जाता है ना। ये खुदा का महबूब तरीन बंदा, खुदा का ईमान। तो किसी को कुछ नहीं पता, अल्लाह ताला ने दो ही चीज की, हुकुम अल्लाह और हुकुम इबाद। हुकुम अल्लाह में यानी जो अल्लाह और बंदे का ताल्लुक है, उसमें अल्लाह ने कहा कि सॉरी ये मेरा और बंदे का मामला है, मेरी मर्जी, मैं माफ कर दूं या नहीं माफ करूं मेरी मर्जी। और ये तो हमें यकीन है ना कि हम कुछ भी कर लें, अल्लाह चाहेगा तो हमारी सारी खराबात को सामने रखते हुए छोटी सी अदावत हमें माफ कर दे। ये हो सकता है, और हो सकता है हम सारी जिंदगी इबादत करते रहे लेकिन एक कोई गुनाह कर दें, हो सकता है अल्लाह को पसंद ना आए, ये अल्लाह की मर्जी। लेकिन एक जगह अल्लाह कह रहा है ये बंदे और बंदे का जो हुकूम निभाने वाला मामला है, अल्लाह का हुकूम निभाने वाला, कि अजमत देख भाई ने जब मुझे बहुत परेशान किया था, जब तक मैं इसको माफ नहीं करूंगा अल्लाह मेरी माफ नहीं करेगा। कहीं ना माफ कर चुका, मेरी मर्जी में माफ करूं ना करूं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारे पास वो मजहब तारी करने की कोशिश ना की जाए जिस मजहब का वजूद नहीं है। हम इस मुल्क की तरक्की, जो कुछ बचा कुचा थोड़ा सा पाकिस्तान में अलग है, हम बहुत खुशियां मनाए, आगे भी खुशियां मनाए। छोटा सा पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में गरीब को गरीब का हक मिले, गरीब के साथ रहन साथी ना हो, गरीब मुतवसत तबके के लोग कम से कम सुकून और आराम की जिंदगी बसर कर सके। इन्हीं अल्फाजों के साथ शेर तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे शेर वहां गीदड़ बन गए, इसलिए शेर भी आ गए। फायदे से निकलता भाई के बारे में कि बहुत शेर कहता हूँ जो मेरे दिल में उतरा है कि वक्त की कैद में जकड़े हुए लोगों सुन लो, वक्त की कैद में जकड़े हुए लोगों सुन लो, एक लम्हे पे ही ठहरे हुए लोगों सुन लो। अल्ताफ न सुनता है न सुनतेगा कभी जहन, अल्ताफ न सुनता है न सुनतेगा कभी लम्हों में, वो तो एहसास है जिंदा है सभी जहनों में। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, माओ बहनों, बहुत बड़ी ही अजीब सूरत हाल से गुजर रहा है, ये यकीनी की कैफियत है। एक तरफ प्यासी सूरत हाल है और एक तरफ माँ की सूरत हाल है। खासम बजान अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर ये मुल्क को भी कुछ हो जाता है तो बस मिर्जा साहब हम इस छोटे से पाकिस्तान को तो इबादत नहीं कर पा रहे, कश्मीर को कैसे आजाद कराएंगे? हम आपस में एक दूसरे के फायदे कह रही। अल्ताफ भाई ने कहा अपने जात की तमाम इख्तलाफात को एक तरफ रखो, आओ बैठो एक प्लेटफॉर्म पे, बैठो एक स्टेज पे बैठो, आओ आप इसके मुल्क की बेहतरी के लिए काम करो, सारे चुनाव एक तरफ कर दो, पहले पार्टी सूरत और त्याग सूरत।
लॉन्ग टेबल पर बुलाया जाए, लोग बैठे बैठ करके आपस के जो झगड़े हैं उनको भूल करके मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए। देखें आपकी फौज आपका मुल्क तीन हिस्सों में, एक तरफ इंडिया, एक तरफ कश्मीर का मसला है, एक तरफ आपके अफगानिस्तान है, आप कहाँ कहाँ लड़ेंगे मेरे दोस्तों मेरे साथियों? तालिबानाइजेशन की लहर तेजी से आगे बढ़ रही है। इन सूरत हाल में हमें सोचना है। मैं बर्मिंघम के उन जिम्मेदार साथियों से कहूंगा जो बैठे यहाँ पर, आज उनकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, आप जलसे की कोशिश ना करें, जरूर करें जलसा, लेकिन आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनके पास जाएं, इनसे बात करें, ये आपसे इख्तलाफात करेंगे, आपसे इख्तलाफ करेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपसे सवाल करेंगे, उनका हक बनता है आप इनके सवालों का जवाब दें, आप इनसे बात करें, इनसे रास्ता रखें, हम रास्ते तोड़ देते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन दोनों बुजुर्गों को कि जब से मैं 7 साल से आया हूँ, जब भी बर्मिंघम आया हूँ, मैंने इनको मौजूद पाया। मैं चाहूंगा कि उनको राज्य सचिव पेश करें। ये दोनों यहाँ मौजूद हैं और हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, अपनी बसात के मौजूद मैंने अभी बल्कि तीन है, सॉरी मैं दो बोला हूँ, तीन है, एक अभी मेरे मुझे मिले थे तो मैंने इनकी तबियत दरियाफ की तो बता रहे थे कि तबियत नाकाज है, किस उम्र में भी यहाँ आते हैं, एक फिक्र है, एक परेशानी है। जो बर्मिंघम की हमारी माए बहने हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि देखिए यहाँ पर खवातीन का एक यूनिट खोले। अब तो माशाल्लाह गनीबाजी भी है और भी बहुत सारी हमारी सुबह खवातीन की है यहाँ पर। हमें 50 नहीं, 100 नहीं, 20 नहीं, आप 5, 10, 20 खवातीन को जमा कर लें, हमारे यहाँ से बाजी आएंगी, इंशाल्लाह काम करेंगी। हमारी यहाँ इतिहास होना चाहिए, हमारी यूनिटी होनी चाहिए यहाँ पर, हम इतिहास और यूनिटी कायम करेंगे तो हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ आए, जिन्होंने थोड़ा लेट हुआ मांगना चाहते हैं, लेकिन हमने कोशिश की थी कि हम तो बहुत दूर से लंदन से चल करके आए, लिहाजा मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरी कोई बात आपको ना दुआ गुजरी हो तो माजरत चाहता हूँ। इन दुआओं के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, हमारे तहरी अल्ताफ भाई आपके दरमियान मौजूद होंगे, उससे पहले साथी सराहना शुरू होगा, मैं तमाम साथियों से इजाजत चाहूंगा, अल्लाह आपसे सराहना शुरू होगा, उसके बाद कायदे तहरी अल्ताफ भाई आपसे इजाफ करेंगे।